हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक प्रीटी और सुंदर वाला मेकअप लुक लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इस मेकअप लुक को आसानी से अपने ही घर पर क्रिएट कर सकते हो, या आप कहीं पार्टी पे जा रहे हो तो ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। आप इसे सूट के साथ भी आसानी से, या गाउन के साथ भी इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रीटी वाला मेकअप लुक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं इस वीडियो पे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर आप बिना स्किप के मेरे वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गाइज ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीडियो स्किप करके देखते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स का पोमिग्रेट टोनर। ये बहुत ही फेवरेट वाला टोनर है। टोनर लगाने से हमारा स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है और जो हमारा स्किन है वो हाइड्रेट रहता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगाऊंगी स्किन फाइंड NYBA का सीरम है ये। तो नाम तो अच्छे से पता नहीं है मेरे को, बट मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। ये एंटी एजिंग का काम करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अरोमा मैजिक का डे क्रीम। वाव, न्यूट्रीडम के बाद जो मेरे को मॉइस्चराइजर क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो ये है। ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई भी मेकअप लुक करने से पहले स्किन के मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डेली बेसिस पर प्राइमर ढूंढ रहे हो ना, तो जो NYBA का है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई प्राइमर खरीदना है तो आप इसे लीजिए। तो प्राइमर लगाने से जो हमारा पोर्स है ना, वो ब्लर आउट हो जाता है और हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। मैं इसमें से पिक करूँगी ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, और मैं इससे अपना आईब्रो फिल कर लूँगी। अगर आप ये वाला आई शेडो पैलेट खरीदते हो, आप इसे परचेस करते हो, उसके बाद आपको कोई भी सा आई शेडो पैलेट या अलग से कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे आसानी से लगा लोगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैट लुक का कंसीलर। मेरा शेड नंबर है 03। ये बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन में मैच होता है और आईब्रो एरिया पर अच्छे से लगा लूँगी, ताकि जो मेरा आईब्रो है वो बहुत सुंदर लगे और बहुत पॉपअप होके नज़र आए और मेरा आई शेडो भी बहुत अच्छे से लगे। तो मैं इसे अपने आईलिड पर भी बहुत अच्छे से लगा लूँगी, ताकि जब मैं आई शेडो लगाऊँ वो बहुत ही सुंदर और प्रिटी लगे। तो मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अगर आप चाहें सॉरी मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा जो आईब्रो, कितना अच्छा लुक आ रहा है आईब्रो का। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आई मेकअप ही करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये शायद SQ का लूज पाउडर है। ये बहुत ही प्रिटी वाला है। इसका शेड नंबर तो याद नहीं है, बट ये येलो कलर में है, जैसे बनाना पाउडर होता है वैसे। मैं लाइनर लगाऊंगी पर्पल कोल आई पेंसिल आईमेगो काजल से। तो मैं इसे एक मोटा विंग ड्रॉ नहीं, ऐसी सिंपली लाइन लगा लूँगी एक मोटा सा, ताकि बहुत अच्छा लुक आए। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ब्लू कलर में है। वाओ, जो पर्पल के काजल होते हैं, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं सेम पैलेट्स की हेल्प से ब्लू कलर पिक करूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि बहुत ही सुंदर लगे और ब्लेंडेबल लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पिक करूँगी सेम आई शेडो पैलेट की हेल्प से एक कोरली सा कलर। हम शायद इसे कोरली सा ही कलर बोलते हैं। तो मैं इसे पिक कर लूँगी, एकदम हल्का सा ही लूँगी और इसे अच्छे से अपने आउटर वी पर लगाते हुए मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने क्रीज लाइन पर। तो मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। आपको लग रहा होगा कि मैंने ब्लू काजल क्यों चूज़ किया। तो फ्रेंड्स, मेरा जो साड़ी है ना, वो ब्लू मतलब सबसे पहले ग्रीन है, उसके बाद डार्क होते 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 मतलब ब्लू टाइप का है, इसलिए मैं ब्लू लगाना चाहती थी, क्योंकि ग्रीन तो बहुत हो गया, ग्रीन मैंने बहुत ज़्यादा आई लगा लिया है, इसलिए मैं ब्लू चॉइस की। अब मैं यहाँ पर NYBA का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यह लिक्विड लाइनर बहुत ही सुंदर वाला लाइनर है। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकती हैं। अफोर्डेबल रेंज का लाइनर है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से विंग ड्रॉ कर लिया है और मैं मेरा लाइनर फिनिश। तो देखिए मेरे को बहुत
मतलब स्वेटिंग प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है जब मैं मेकअप करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताई थी ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो मेरा ये नया फ़ोन आप सभी को तो पता ही होगा, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, इसमें बस काम ही काम रहता है, अपलोडिंग करना, एडिट करना, वीडियो शूट करना, तो एक फ़ोन से नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने एक नया फ़ोन परचेज़ किया हुआ है, ये वीवो का फ़ोन है। अच्छे से इसका नाम तो मेरे को नहीं मालूम, बट इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मेरा बिल्कुल नया वाला फ़ोन है, अभी तक मैंने इसे ऑन भी नहीं किया है। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मैंने इसे कृष्ण जन्माष्टमी पर परचेज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी बाय द वे इसे अब साइड पर रखते हैं, अब मेकअप कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मेरा आई मेकअप तो कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पर फिर से मैट लुक का कंसीलर ले लूँगी। ये SPF के साथ आता है और इसका शेड नंबर 02 मैं आपको बता शायद मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो मेरा जो डार्क स्पॉट है मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने डार्क स्पॉट पर। पता नहीं गाइस, जब से बरसात आया हुआ है ना, तब से मेरे स्किन पर छोटे 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 दाने होने लगे हैं, फुंसियाँ, पिंपल नहीं होता है मेरे स्किन पर, बस दाने दाने छोटे छोटे फुंसियाँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं उससे, पता नहीं कब तक ये ऐसा होगा, पहले ऐसे नहीं होता था, जब से बरसात लगा तब से ऐसे हो रहा है। तो देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पर बहुत ही फेवरेट वाला, ये है ग्लैम 21 का फाउंडेशन। ओ माय गॉड, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लॉन्ग स्टे करता है इसको लगाने के बाद, बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपको एक मटर के दाने जितना लेना है, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बहुत ही अच्छे से लग जाता है और बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है, तो बहुत अच्छे से लग गए हैं। अब मैं यहाँ पर सेम पैलेट की हेल्प से मैं अब अपना कॉन्टोर कर लूँगी, एक डार्क ब्राउन कलर लूँगी और उससे अपने फेस का कॉन्टोर कर लूँगी। मैं आप सभी को बता दूँ फ्रेंड्स, ये दोबारा बोल रही हूँ मैं आपको, सेकेंड टाइम बोल रही हूँ, आप ये वाला जब पैलेट खरीदोगे ना, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको हाइलाइटर से लेके हर चीज़ आपको मिलेगा। आप इस पैलेट से कंसीलिंग भी कर सकते हो अपने आईलिड एरिया पर। तो आप ये पैलेट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इस पैलेट को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं लूँगी फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये बहुत ही अच्छा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। मैंने इसका अभी अभी अपने चैनल पे इसका रिव्यू डाला हुआ है, तो बहुत ही पसंद है मुझे। पता नहीं फ्रेंड्स, आज मेरा जो कॉम्पैक्ट वाला जो ब्रश है, पता नहीं कहाँ ऐसा रख दी हूँ मैं उसे कि मिल ही नहीं रहा है। ये जो छोटा वाला होता है वो वाला ब्रश है। नेक्स्ट मैं ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट, मैं इसे पीची कलर लेके, मेरे को ना फ्रेंड्स पीच कलर या फिर हल्का किसको पसंद नहीं है। तो ये जो हाइलाइटर है ना, बहुत सुंदर वाला हाइलाइटर है। मैं अपने इसे नोज पे, अपने ब्राउ बोन पे, अपने इनर कॉर्नर पे, सब जगह हाईलाइट कर लूँगी। अगर आपको आप सोच रहे होंगे गाइज, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कैमरा में अलग लगता है, इसलिए हमें मतलब जो यूट्यूबर्स होते हैं और भी यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों का तो पता नहीं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। सामने में हाइलाइटर कभी भी लगाते हैं तो उतना नहीं लगाते हैं जितना मैंने अभी वीडियो पे लगाया हुआ है, बहुत सिंपल सा लगाते हैं, बस थोड़ा सा ही लगाते हैं, लेकिन कैमरा में कुछ अलग लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है हाइलाइटर। इसलिए आप कभी भी मत सोचिएगा कि इतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो मैं इसे अपने ब्राउ बोन एरिया पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद है मेरे पास ये प्रिटी वाला रेड कलर, ये है शायद कलर्स क्वीन का रेड लिपस्टिक, बिल्कुल भी स्मच नहीं करता, ये बिल्कुल भी स्मच नहीं करता। ये ऑफलाइन है बट ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, बहुत ही प्रिटी वाला, आप देखिएगा अभी एक जादू, इतना प्रिटी वाला रेड कलर है ना, शायद इसे चेरी कलर बोलेंगे हम इसको। ये बहुत ही सुंदर लगता है लिप्स पे जाने का, ऐसा नहीं कि मैट है तो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको लगाने के बाद। आप सभी को तो पता है रेड कलर मेरे को बहुत पसंद है, लिपस्टिक पे सबसे ज़्यादा रेड कलर है मेरे पास, चाहे वो डार्क लाइट ऐसे कुछ भी हो, रेड का देखिए कितना सुंदर रेड कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको लगाने के बाद चार चांद लग गया है मेरे लिप्स पे। तो अब नेक्स्ट मैं अपना फॉल्सेस लगा लूँगी। फ्रेंड्स ये जो फॉल्सेस है मैं इसे थर्ड टाइम अप्लाई की हूँ, बट मुझे इस लग रहा है इसे वॉश कैसे करूँ, वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ बट मैं समझ नहीं पा रही मैं इसे वॉश कैसे करूँ। तो मैं देखिए बहुत आसानी से मेरा ये जो फॉल्सेस है लग गया है। उसके बाद मैं लगा लूँगी
ये है मेबलिन का कोलोस्कल मस्कारा, तो मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। सॉरी फ्रेंड, जब वॉइस ओवर करते हैं ना तो सामान सब ढूंढना पड़ता है, कहाँ क्या नाम है क्या नाम है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं इसे अपने अपर आईलैसेस और लोअर आईलैसेस दोनों पर ही इसे अच्छे से लगा लूँगी। आप चाहें तो पहले मस्कारा लगा के अपना फॉसेस लगा सकते हो, बट दोनों इक्वल लगे इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, बाद में मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगा लूँगी बिंदी। बिंदी के लिए बिल्कुल समझ नहीं आता कि ग्रीन लगाऊँ कि ब्लू लगाऊँ कि रेड लगाऊँ कि क्या लगाऊँ, तो फाइनली ब्लू ही लगा लिया मैंने। नेक्स्ट मैं यहाँ पर करूँगी ज्वेलरी वगैरह डाल लूँगी। अब चार चांद लगाऊँगी जो मैंने मेकअप किया है, उसे फाइनल लुक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर पहन लूँगी अपना नेकलेस। अगर आप नई नई दुल्हन है, नई नई नए नए आपका शादी हुआ है, तो आप गोल्ड ज्वेलरी पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर पहन रही हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो अगर आप नई नई दुल्हन है, क्योंकि नई नई दुल्हन को गोल्ड ज्वेलरी पर ही पहनना चाहिए, तो आप गोल्ड ज्वेलरी ही पहन सकते हो, या फिर आपके पसंद से अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहना तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पर इयररिंग भी पहन ली हूँ, बहुत ही प्रिटी वाला ये नेकलेस सेट है और इसमें मांग टीका भी है। मैं लास्ट पे इसे लगाऊंगी। तो मैं अपना हेयर वाला भी काम कर लूँगी। यहाँ पर मुझे अपना कॉम नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने कॉम के लिए। तो जैसे तैसे करके मैं अपना कॉम तो कर ली हूँ, बिना कॉम का ही कंघी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी सिंदूर। ये मेरा सिंदूर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, मैं इसे थोड़ा मोड़ा जितना भी बचा हुआ है वही मैं अप्लाई कर लूँगी। तो क्योंकि मैं ज़्यादा अक्सर मैं लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है खाना बनाते वक्त, तो पूरे फेस पे आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा लिक्विड वाला सिंदूर ज़्यादा लगाती हूँ। तो मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। अगर आप नई नई दुल्हन हो तो आप पूरा भर सकते हो, पूरा जितना आपको मांग आपका भरना है। तो देखिए पूरा फिनिश हो चुका है। तो अब मैं इसे मांग टीका को सामने ला लूँगी, क्योंकि मैं पीछे तरफ ले गई थी। मैंने इसे सेट कर लिया है टिक टैक क्लिप से। अब मैं अपना ज्वेलरी नहीं बैंगल्स पहन लूँगी, ज्वेलरी याद आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।